Good morning everyone, welcome to the channel Wright Brothers 24 offline and online classes. हमारी offline classes अलाहाबाद में चलती हैं, आप offline classes के लिए अलाहाबाद में contact कर सकते हैं, हमारा mobile number और सारी चीज़ों की जानकारी Google पे दिया होगा और नीचे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए, online classes आपको YouTube पे मिलती रहेंगी, SSC, bank, railway, जितने भी one day exams होते हैं उनकी, सारे subject आपको मिलेंगे one by one, आप सारी वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मंटू सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, बाकी के हमारी जितनी भी टीम है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी, ठीक है। बात करते हैं, देखिए बेटा सबसे मेन आपको पता होगा कि अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे एक बड़ा पोर्शन है वोकैबुलरी का पोर्शन। किसी भी एग्ज़ाम की जब आप बात करते हो तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और होता क्या है कि वोकैबुलरी ऐसी चीज़ है जिसको हम एक बार याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। मैं आपको एक ऐसा मेथड देने वाला हूँ ना जिससे आपको याद रहेंगी चीज़ें लॉन्ग टर्म तक। देखिए होता क्या है ना कि कोई भी बात, ठीक है, मान लीजिए आप किसी बस में जा रहे हो, इतने लोगों की शक्ल आप रोज़ देखते हो, लेकिन अगर उस चीज़ से रिलेटेड या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हो जाए ना तो वो आपको याद रहता है, वो पर्सन भी वो इंसिडेंट भी। तो सेम चीज़ क्या होती है कि जितने भी हमारे वोकैबुलरी और idiom फ्रेज होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, वो भी सेम ऐसा ही होता है, हम लोग याद करते हैं भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं जो मेथड आपको देने वाला हूँ उससे आप ये वोकैबुलरी कभी नहीं भूलोगे, ना idiom फ्रेज भूलोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप विश्वास मानिए, आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि आपने चीज़ें याद की हैं और अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ये idioms का हमारा पहला वीडियो होगा, वोकैबुलरी की वीडियो अलग डलती रहेंगी, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए idiom 1 की जो वीडियो है इसमें मैंने 15 idioms सेलेक्ट किए हैं, वो सारे idioms जो कि हमारे कहीं ना कहीं स्टोरीज से जुड़े हुए हैं। हम सारे idioms को स्टोरीज से पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है इसका मीनिंग। देखिए बहुत सारी ग्रामर और वोकैबुलरी की बुक्स मिलती हैं मार्केट में, बच्चा वो भी खरीद सकता है, क्यों मेरे पे टाइम वेस्ट करेगा। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड देने वाला हूँ जिससे आप बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करें फिर शुरू। चलिए सबसे पहला हमारा जो idioms है दैट इज़ अखिलेश हील। अब देखिए अखिलेश हील जो होता है उसका मीनिंग क्या है, आपको बगल में उसकी पिक्चर और उसकी मीनिंग तो दिखती ही रहेगी, लेकिन मैं भी इसको डिस्क्राइब करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अखिलेश हील की एक छोटी सी स्टोरी है, वो स्टोरी सुनिए। हुआ क्या था कि ग्रीक माइथोलॉजी क्या है, जैसे हमारी हिंदूज़ की माइथोलॉजी होती है कि रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इस तरीके से अखिलेश एक ग्रीक माइथोलॉजी का हिस्सा था। एक छोटे से परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था अखिलेश, ठीक है। मैंने ये पिछली वीडियो में आपको लास्ट में दिया भी होगा वोकैबुलरी की, ठीक है। तो उस बच्चे का जन्म हुआ, जब वो जन्म हुआ तो वो बच्चा पूरी तरीके से बीमारियों से ग्रस्त था, तो उसकी माँ बहुत परेशान हुई। उसने क्या किया, वो गई और एक पादरी के पास उसको लेकर गई, यानी चर्च के जो फादर होते हैं उसके पास लेकर गई और उसने बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मेरे बच्चे के साथ, बताइए मैं क्या करूं। तो पादरी ने जब माँ का दुख देखा तो उसने कहा कि एक छोटा सा काम करिए आप, हमारे बगल में, हमारे गांव के बगल में एक मैजिकल रिवर बहती है, ठीक है ना, आप बच्चे को लेकर जाइए, उस मैजिकल रिवर में डुबकी लगा दीजिए, बच्चा आपका एकदम ठीक हो जाएगा। माँ जाती है बच्चे को लेकर, डुबकी लगाने से पहले जब वो किनारे पे बैठी होती है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो क्या करती है, बच्चे को उसकी एड़ियों से पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चे को अगर उसकी एड़ियों से पकड़ लिया यानी बच्चा हो जाएगा उल्टा, ठीक है, और वो उठा के उसको डुबकी लगा देती है। अब देखिए होता क्या है कि उसमें उसका पूरा बॉडी पार्ट तो भीगता है, लेकिन स्टिल उसकी जो एड़ियाँ हैं वो भीगने से बच जाती हैं, यानी आज भी उसकी एड़ियाँ जो हैं वो क्या हैं, कमज़ोर हैं। तो वहाँ से एक ग्रीक मेटाफर बना, देखिए ये फिगर ऑफ स्पीच में जो हम लोग मेटाफर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से ये अखिलेश हील बना कि अखिलेश का जो हील था वो सबसे उसका वीकेस्ट पॉइंट था। क्या था, वीकेस्ट पॉइंट, यानी अखिलेश हील का मतलब होगा कमज़ोर बिंदु। अब अगर हम बड़ी सिंपल सी बात करें बेटा रामायण की, रामायण में भी आपको पता होगा कि रावण का वीकेस्ट पॉइंट क्या था, उसकी नाभि,
क्योंकि भगवान राम ने उसकी नाभि पर ही वार करके रावण का वध किया था, तो वो रावण का अखिलेश हील था। ठीक है, चीज़ों को ऐसे कोरिलेट करिए, ये नहीं कि हाँ एक चीज़ पढ़ी क्योंकि हमारी मजबूरी है हमें याद करना है इसलिए, नहीं, अपनी रोज जो डेली लाइफ है उससे चीज़ों को रिलेट करिए, देखिए कितने मज़ेदार तरीके से चीज़ें आपको याद होती हैं। फिर नेक्स्ट, अखिलेश हील का मतलब बेटा वीकेस्ट पॉइंट, कमज़ोर बिंदु। देखिए जितनी बार मैं बोलता हूँ ना, एक बार आप भी बोला करिए, जितना बोलोगे ना वाइब्रेट होगा दिमाग में, जब वाइब्रेट होंगी चीज़ें अपने आप याद होंगी। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट हाँ स्टोरी बताएं तो, देखिए जो भी मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा स्टोरी याद रखना, स्टोरी याद रखोगे डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आपको वो कैब याद आ जाएगी, उसकी मीनिंग याद आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पेंडोरा बॉक्स। देखिए पेंडोरा बॉक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। ग्रीक माइथोलॉजी से ही रिलेटेड एक ऐसी लेडी थी जिसका नाम था पेंडोरा। ठीक है, तो पेंडोरा जो थी वो जब भी राजा के महल में आती थी, एंटर करती थी, तो उसको सब लोग देख के तुरंत कहते थे कि ये आ गई, कोई ना कोई मुसीबत लेकर आई होगी। जैसे पहले क्या होता था कि दूत होते थे, मैसेंजर्स, तो पेंडोरा भी एक तरह से राजा की मैसेंजर थी, तो वो जब भी अंदर आती थी तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आती थी। जैसे हमारी डेली लाइफ में जैसे कुछ दोस्त नहीं होते जिनको हम कह देते यार पनौती है ये तो बिल्कुल ही, तो सेम ऐसे ही पेंडोरा बॉक्स, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है जो हर बार जो भी खबर लेके आता है बेकारी लेके आता है, ठीक है ना, तो पेंडोरा का नाम ही रख दिया पेंडोरा बॉक्स, यानी पेंडोरा बॉक्स मतलब सोर्स ऑफ ट्रबल। आप बगल में देख सकते हैं पिक्चर में भी, सोर्स ऑफ ट्रबल मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पूरा प्रॉब्लम्स का पिटारा है इसके पास। ठीक है, सोर्स ऑफ ट्रबल्स, ठीक है, मतलब कभी भी अगर आएंगी तो ये देखकर ही हमें पता चल जाता है कि हाँ भैया कोई दिक्कत आने वाली है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा हरकुलियन टास्क, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है हरकुलियन टास्क। समझते हैं बेटा हरकुलियन टास्क क्या होता है, मैं आपको बताऊं हरकुलियन का मतलब जानने से, हरकुलियन टास्क का मतलब जानने से पहले आप ये जानिए कि हरकुलस क्या होता है। ठीक है, देखिए हरकुलस जो था वो राजा, वो एक भगवान का बेटा था ज्यूस, उनका नाम था ज्यूस। ये सारी बातें ग्रीक माइथोलॉजी की बता रहा हूँ, और क्यों, देखिए आपको पता होगा ये बात कि जितनी भी अंग्रेजी और जितनी आपकी जितनी अंग्रेजी बनी ना वो मैक्सिमम लैटिन और ग्रीक से ली गई, ठीक है ना, तो इसीलिए। अब देखिए हुआ क्या था कि हरकुलस जो था वो राजा ज्यूस का बेटा था, और ज्यूस की एक वाइफ थी और एक गर्लफ्रेंड भी थी। ठीक है, तो जो ज्यूस की गर्लफ्रेंड थी वो उसके बेटे से, यानी ज्यूस के बेटे यानी हरकुलस से बहुत चिढ़ती थी। ठीक है, तो उसने एक दिन अनबन में हरकुलस को क्या कर दिया, श्राप दिया। और क्या श्राप दिया, उसने 12 ऐसे नामुमकिन और डिफ़िकल्ट टास्क दिए कि ये तुम करके दिखाओ मुझे। ठीक है, तो ज्यूस मतलब जब हरकुलस उस टास्क को करने गया तो वो टास्क बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, और उन टास्क की फ़ोटोज़ आपको बगल में दिख रही होंगी। 12 टास्क थे जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी एविल हैं, जो भी शैतान हैं, उनको मारना था। तो तब से एक मेटाफर पड़ा, हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बेटा डिफिकल्ट टास्क। अब देखिए डिफिकल्ट टास्क, और सिर्फ अगर आपके पेपर में सिर्फ हरकुलस आएगा, ध्यान रखिएगा सिर्फ हरकुलस आएगा, तो ये काम उसने कर दिखाया था, और उसने 12 मुश्किल काम को किया था, इसीलिए हरकुलस को स्ट्रांग मैन माना जाता है। ठीक है ना, तो सिर्फ अगर बेटा हरकुलस आया तो ये भी समझ जाइएगा कि स्ट्रांग मैन है। ठीक है ना, अगर उसकी मीनिंग आएगी स्ट्रांग मैन वोकैबुलरी में, ठीक है, और इडियम में हरकुलियन टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बी अवेयर ऑफ ग्रीक बेयरिंग गिफ्ट्स। अब देखिए बी अवेयर ऑफ ग्रीक बेयरिंग गिफ्ट्स का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या था, एक ट्रोजन नामक वॉर हुई थी, ठीक है ना, तो ट्रोजन वॉर में दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, एक तो ग्रीस था और एक ट्रोजन था। ठीक है ना, ये जो वॉर हुई थी वो ट्रॉय जगह पे हुई थी, ट्रॉय, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ट्रोजन वॉर में ट्रोजन्स जो हैं वो वॉर जीत गए, ठीक है, ग्रीस वॉर हार गया। तो क्या हुआ कि ट्रोजन इतने ज़्यादा खुश थे
कि वो ये सब कुछ भूल गए थे कि ग्रीस आज भी उनका एनिमी है। और ग्रीस ने क्या किया, हारने के बाद उनके महल के बाहर एक बड़ा सा घोड़ा लकड़ी का बनाकर भेजा और ट्रोजन ने उसे गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट कर लिया। हुआ क्या, वो महल में अंदर आया, बहुत बड़ा घोड़ा था आप देख सकते हो, ठीक है, वो महल में अंदर आया और रात में उसमें से कई सारे सैनिक निकले जो घोड़े के अंदर मौजूद थे, ठीक है ना। तो तब से कहा गया कि बी अवेयर, जैसे हम लोग लिखते हैं बी अवेयर ऑफ डॉग्स, तो बी अवेयर ऑफ ग्रीक बेयरिंग गिफ्ट्स, मतलब अगर आपका एनिमी आपको कोई प्रेजेंट दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो आपको सतर्क रहना है क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। इसका मीनिंग आपको बगल में दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मिडास टच। देखिए द मिडास टच का मीनिंग जो है वो भी ग्रीक माइथोलॉजी से ही लिया गया है। हुआ क्या था, मिडास एक राजा का नाम था, पाइगेरिया नामक एक जगह थी, वहाँ के राजा का नाम था। तो वो इतना ज़्यादा लालची था कि उसकी एक विश थी, उसने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की होगी, तो गॉड ऑफ डायनासस से उसने एक विश मांगी और कहा कि गॉड मुझे एक ऐसा शक्ति दो, पावर दो, जिससे कि मैं जो भी चीज़ टच करूं वो सोना में तब्दील हो जाए। तो गॉड ने उसे वो उसकी वो विश पूरी कर दी। हुआ क्या कि वो बेचारा इतना पागल हो गया था कि उसने एक दिन, उसकी एक ही सगी बेटी थी, एक ही बहुत लाडली बेटी थी, उसने उसको भी टच कर दिया तो वो भी क्या बन गई, सोना बन गई। तो तब से द मिडास टच का नाम होता है कि वट एवर यू टच दैट टर्न्स इंटू द गोल्ड और वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है, बगल में आपको मीनिंग दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है समझते हैं। हुआ क्या था, पर्शियन और ग्रीस के बीच में वॉर हुई, ठीक है, पर्शियन और ग्रीस के बीच में वॉर हुई, ठीक है। तो हुआ क्या कि पर्शियन जो थे वो ग्रीस जो थे वो वॉर जीत गए और पर्शियन वॉर हार गए। तो पर्शियन ने अपनी जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें थी, मतलब सोना, हीरा, जवाहरात, वो सब क्या किए थे, कहीं गाड़ कर रखा था। तो वो लोग बहुत सर्च किए, ग्रीस वाले सर्च किए, नहीं मिला। उसके बाद वो एक गॉड के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि हमें बताइए कि वो सोना कैसे मिलेगा। तो उन्होंने उनको एक राय दी कि डोंट लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब कि सब कुछ सर्च कर डालो, आपको मिल जाएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या निकलता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कहीं भी कुछ करना है, तो आपको वो हर पॉसिबल एफर्ट करना चाहिए टू बी सक्सेस। मतलब आपको हर वो पॉसिबल चीज़ कर लेनी चाहिए जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है। क्यों, क्योंकि ग्रीस ने किया और उनको वो खजाना मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट टचवुड। अब देखिए टचवुड की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जैसे होता नहीं है कि हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं, कोई बात कहते हैं तो हम लोग अनलकी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं ओ टचवुड। क्यों कहते हैं ऐसा, सुनिए, हम लोग रोज़ बोलते तो हैं लेकिन शायद पता नहीं मीनिंग पता है नहीं पता है, सुनिए। देखिए होता क्या है कि जब टचवुड एक ऐसा पेड़ था ग्रीक माइथोलॉजी में, निम्स का पेड़ था, इस पेड़ की ये खासियत थी कि ऐसा माना जाता था, जैसे हिंदू में पीपल के पेड़ को हम लोग मानते हैं बहुत लकी या भगवान मानते हैं, तो ये निम्स का जो पेड़ था ऐसा माना जाता था कि इसमें एक गॉडेस रहती है, ठीक है ना। तो लोग कोई भी अनलकी चीज़ होने ना हो, अवॉइड करें, प्रिवेंट करें, तो उसके लिए हर बात पे कह देते थे टचवुड। तो टचवुड का वास्तविक मीनिंग क्या होता है, टू अवॉइड और टू प्रिवेंट बैड लक, टू अवॉइड और टू प्रिवेंट बैड लक, मतलब बुरी चीज़ों से बचना, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज फ्रेंच लीव। अब देखिए फ्रेंच लीव क्या होता है, वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ, फ्रांस ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो मैन थे उनको आर्मी में भर्ती किया, क्योंकि देखिए अगर वॉर होती है तो हमें सेना की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा आओ सेना ज्वाइन करो, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि पहले जो वॉर होती थी ना वो ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट चल रही हैं, स्टार्ट हो गई, ख़त्म नहीं हो रही है, 5-5 साल तक चल रही हैं। तो क्या हुआ कि
अब ये बेचारे परेशान हो जाते थे क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिलती थी, और देखिए इनका भी परिवार था तो इनको छुट्टी चाहिए होती थी, बट ये अपने ऑफिसर्स से जाके बोलते थे तो वो छुट्टी नहीं देते थे। तो इन्होंने अपने बीच में ना एक रूल बनाया, उन्होंने कहा कि अब हम लोग बिना नोटिस के ही लीव ले लेंगे। तो तब से हमें फ्रेंच लीव का मीनिंग पता चला। फ्रेंच लीव मतलब होता है लीव विदाउट नोटिस। क्या होता है फ्रेंच लीव का मतलब? लीव विदाउट नोटिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेकर्स डजन, मतलब बिना छुट्टी के ही, बिना नोटिस के ही छुट्टी ले लेना, ठीक है, बिना किसी को बताए, बिना अपनी अथॉरिटी को, बिना किसी, जैसे हम लोग जैसे प्राइवेट जॉब होती है तो क्या करते हैं, बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं। हाँ सरकारी होती है तो नहीं, हम लोग छुट्टी पहले सेंशन कराते हैं तब लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेकर्स डजन, बेकर्स डजन का क्या मतलब होता है? बेकर्स डजन का मतलब होता है 13, लेकिन क्यों होता है ये समझिए। इजिप्ट में कुछ बेकर्स रहते थे, तो उन बेकर्स ने क्या किया, ब्रेड बनाया और बेचना चालू किया। तो क्या होता था कि बेकर्स जो है एक पैक में पूरा 12 ब्रेड रख के भेजते थे। अब देखिए पेपर में जैसे बेकर्स डजन आ जाता है ना, तो वो ऑप्शन देगा, मान लीजिए 12, 13, 14, 15, तो बच्चा अनुमान लगाता है, कहता है डजन है, अच्छा 12 होगा। नहीं ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, कुछ स्पेशल है वरना डजन क्यों पूछेगा आपसे। उसको भी पता है, एग्जामिनर को पता है कि सबको डजन का मीनिंग पता है कि 12 होता है, ठीक। देखिए बेकर्स डजन का मीनिंग होता है 13, क्यों होता है मैंने आपको बताया, बेकर्स जो होते थे जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, बेकरी का काम करते हैं, तो बेकर्स क्या करते थे कि वो 12-12 का पैक बना के बेचते थे। अच्छा क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो सेल उनकी चालू हो गई, बहुत अच्छा वो लोग कमाने लगे। तो होता क्या ना कि जब आदमी बहुत ज़्यादा कमाने लगता है ना, तो उसका दिमाग भी ख़राब होता है, तो बेकर्स का इसी तरीके से दिमाग हो गया ख़राब। अब वो क्या करते थे कि उन्होंने ब्रेड की जो संख्या थी वो एक घटा दी 11 कर दी। तो क्या हुआ, मार्केट में जब ब्रेड गई तो धीरे धीरे लोगों ने उसको जब गिनना चालू किया तो देखा कि 11 ब्रेड मिलती हैं और पहले 12 मिलती थी, तो बेकर्स का नाम कहीं ना कहीं ख़राब होने लगा। अब जब बेकर्स का नाम ख़राब होने लगा तो उनकी सेल डाउन हो गई, तो वो लोग ने सोचा कि यार अब हमें ना मतलब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये पता लगा कि मार्केट से ही हम लोग गायब हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, 12 ना देके कहा कि हमने गलती की है, अब हमें कितना देना पड़ेगा, एक और बढ़ा कर देना पड़ेगा, यानी 13। तो तब से बेकर्स डजन का मतलब होता है 13, समझ में आया आपको, बेकर्स डजन का मतलब होता है 13। चलिए अब इस साइड आते हैं, ये बात करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे दिया हुआ है हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस का क्या मीनिंग होता है समझते हैं। देखिए हॉब्सन चॉइस का मीनिंग होता है व्हेन देयर इज नो चॉइस, यू डोंट हैव एनी चॉइस। अब देखिए हॉब्सन एक आदमी था जो व्यापारी था, बिजनेसमैन था, तो ये क्या करता था कि ये घोड़े का व्यापार करता था। अच्छा जिस देश में ये घोड़े का व्यापार करता था इसके अलावा कोई और घोड़ा नहीं बेचता था, और पहले के लोग ना घोड़ों से चलते थे, तो घोड़ा हर राजा को चाहिए होता था, उसकी सेना के लिए चाहिए होता था, हर चीज़ के लिए चाहिए होता था। तो ये क्या करता था कि इसने ना एक घोड़े का अस्तबल बनाया, ऐसे कुछ इस टाइप का, वेट, इसने घोड़े का ना अस्तबल बनाया, अस्तबल में इसने क्या किया ऐसे एक सामने दरवाज़ा बना दिया। और ये क्या करता था कि जितने भी कमज़ोर घोड़े होते थे, जितने भी ऐसे घोड़े जो बिक नहीं सकते थे, उनको ये दरवाजे पे खड़ा कर देता था। मान लीजिए घोड़ा है, ओहो सॉरी इंसान बना दिया मैंने, अभी यार घोड़ा बनाने नहीं आता है, देख लेना यार, मतलब हाँ मान लो ये घोड़ा है, ठीक है। अब क्या करता था, दरवाजे पे इसने घोड़ा खड़ा कर दिया, अब जो भी आता था, क्योंकि इसको पता है मार्केट में तो कोई और बेचता नहीं है, तो इसके भाव बड़े चढ़े रहते थे, तो क्या कहता था कि देखिए आपके पास जो भी चॉइस हो जाके ले लो, लेकिन आपको वही लेना है घोड़ा जो दरवाजे पे खड़ा है। और जानबूझ के दरवाजे पे क्या करता था कि एकदम सूखा मरा हुआ घोड़ा खड़ा कर देता था, यानी चॉइस देकर भी कोई चॉइस ना देना, दैट इज़ कॉल्ड नो चॉइस, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बेटा देखो जो मन करे वो कर लेना, लेकिन तुम्हें ना पढ़ाई में साइंस ही लेना है, टेंथ के बाद बोलते हैं साइंस ही लेना है, मतलब चॉइस तो दे रहे हो लेकिन कोई चॉइस नहीं दे रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड हॉब्सन चॉइस, नो चॉइस। अब नेक्स्ट देखिए ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है टू मेक सिचुएशन वर्स्ट, मतलब सिचुएशन पहले से खराब हो उसमें और खराब करना,
एड टू फ्यूल टू फायर का मतलब भी यही होता है कि आग में घी डालना, ठीक। तो होता क्या था, जैसे मान लो कि आपके पड़ोस में कहीं झगड़ा हो रहा है। देखिए झगड़ा ऐसी चीज़ है ना जो जब अपनी हो तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन किसी और की ना बहुत मज़ा आता है देखने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसमें, थोड़ा सा सोचते हैं कि थोड़ा और घी डाल दें, मतलब सिचुएशन पहले ही ख़राब है दो लोगों के बीच में, हम थोड़ा सा और दो चार बातें ऊपर से डाल दें ताकि सिचुएशन और ख़राब हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट, हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट। अब देखिए हिट बिलो द बेल्ट का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बॉक्सिंग एक गेम है, ठीक है, तो बॉक्सिंग गेम से ही हिट बिलो द बेल्ट इडियम आया, ठीक है। तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप कमर के नीचे कहीं अटैक करते हो, दैट इज अनफेयर, दैट इज अनफेयर। ये होता है ताइक्वांडो में, देख लो आप, ताइक्वांडो में भी क्या होता है कि अगर आप कमर से नीचे वार करते हो तो वो अनफेयर है, मतलब चीटिंग है, ठीक है ना। तो हिट बिलो द बेल्ट को बोला गया दैट इज अनफेयर, मतलब चीटिंग है, गलत है, तरीका सही नहीं है, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, उल्टा पॉइंट कट भी सकता है आपका, ठीक है ना। तो उसका मीनिंग होता है हिट बिलो द बेल्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कंगारू कोट। देखिए कंगारू कोट का मीनिंग मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि कंगारू कोर्ट क्या होता है। देखिए हमारे यहाँ इंडिया में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सुने होंगे, ये कंगारू कोर्ट। देखिए कंगारू कोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि जिस कोर्ट में कंगारू बैठे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कंगारू कोर्ट होता क्या है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा अ वेडनेसडे, अ वेडनेसडे मूवी देखना, अ वेडनेसडे मूवी में क्या होता है कि जब इंसान को न्याय नहीं मिलता है ना सुप्रीम कोर्ट या यहाँ से, ऐसा वो सोचता है, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्याय ही देती है, लेकिन अगर ऐसा इंसान सोचता है तो वो क्या करता है, अपना कोर्ट खोल लेता है, मतलब खुद फैसला करेगा वो। सेम चीज़ अब वेडनेसडे में हुई थी, ठीक है ना। उसने क्या किया, एक इल्लीगल कोर्ट बनाया जिसके फैसले वो खुद लेता था कि हाँ इसको छोड़ना है, इसको ये सज़ा देनी है, उसको वो सज़ा देनी है। तो उसी का मतलब होता है कंगारू कोर्ट, इसका मतलब इल्लीगल कोर्ट, ठीक है ना। कोई भी इल्लीगल कोर्ट जो कि लॉ के अकॉर्डिंग ना चले, अपने अकॉर्डिंग चले, मतलब हमें जो मन करता है हम वो करते हैं, ठीक है ना। आतंकवाद भी एक तरह से क्या है, कंगारू कोर्ट है, उनको जो सही लगता है वो करते हैं, ठीक। दैट इज कॉल्ड कंगारू कोर्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत ही फेमस है बेटा सोर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं। अब देखिए अंगूर खट्टे हैं का मतलब बड़ा ही आसान है, वैसे तो ये भी एक ग्रीक माइथोलॉजी से ही जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन मैं इसको आपको डेली लाइफ में यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए होता है क्या कि हम लाइफ में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यंग हो तो आप क्या पाना चाहते हो ये आप जानते हो, ठीक है। तो अगर हम बहुत चाहत से चाह रहे हैं किसी को और अपनी चाहत दिखा रहे हैं, तो शुरू में जब हम चाहत दिखाते हैं तो वो हमें बहुत खूबसूरत लगता है या लगती है, ठीक। लेकिन अगर वो बाय चांस हमें मना कर दें तो हमें लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो हमारे लायक नहीं थी, ये हमारे लायक था ही नहीं, ठीक है ना, मतलब बेकार था। तो होता क्या है कि वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है ना, जब वो आपको नहीं मिलता है तो आप ये कहते हो कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब एक ऐसी डिज़ायर जिसको आप सीक्रेटली चाहते थे बट यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट, तो आप कहते हो अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। आपको बगल में मीनिंग इसका दिख रहा होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट गॉर्डियन नॉट। देखिए गॉर्डियन नॉट का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए गॉर्डियन नॉट में एक अलेक्जेंडर द ग्रेट का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये वहीं से आई थे, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे 333 BC में उन्होंने वॉर लड़ी एशिया पे राज करने का, ठीक। वो वॉर जीत गए। अच्छा जब वो वॉर जीत गए तो जगह का नाम था आई थिंक एनाटोलिया जगह का नाम था, ठीक है ना। वहाँ जब वो विज़िट किए उस महल में जिसको उन्होंने पराजित किया था, तो वहाँ का पहले एक राजा था, ठीक है ना। उस वो राजा ने क्या किया था कि उस गेट पर ही उसने एक ऑक्स कार्ट
ठीक है ना, एक जो बुग्गी होती है टाइप की, वो वहाँ पे बांध रखी थी। क्यों बांधी थी उसने? इसलिए बांधा था कि जो भी अगला राजा बनेगा यहाँ का, वो इसी ऑक्स कार्ट पर आएगा। अच्छा, उसको जो बांधा था वो एक बहुत बड़ा नॉट था, मतलब एक गांठ थी, ठीक है ना। उस गांठ को खोल कर वो राजा उस ऑक्स कार्ट पे बैठेगा और तब महल में आएगा और वहाँ का राजा कहलाएगा। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब वहाँ गए, उन्होंने उस ऑक्स को देखा, जब उन्हें ये बात पता चली कि ऐसी कुछ प्रथा है, तो वो नोट खोलने में लग गए। अच्छा, वो नॉट जो है वो खोल नहीं पाए। जब वो नहीं खोल पाए तो उन्होंने क्या किया, अब वो उस नॉट से थोड़ा बाहर सोचने लगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने सोचा। तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए ये नॉट है, ठीक, तो ऐसे जुड़ी होगी, उन्होंने उठाया यहाँ से और यहाँ से काट दिया, ठीक है ना। तो गार्डियन नॉट का भी मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और इन्वॉल्व प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम हमें दे दी जाए और हम उसके बारे में उस प्रॉब्लम के अंदर से ना सोचकर बाहर से सोच लें, दैट इज़ कॉल्ड गार्डियन नॉट। मीनिंग आपको बगल में दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे 15 इडियोम्स थे जो हमने आज देखा। सबसे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, रिवाइज में सबसे पहले देखिए, अखिलिस हील। अखिलिस हील का मतलब होता है वीकेस्ट पॉइंट, मतलब कमजोर बिंदु, ठीक है। पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स का मतलब सोर्स ऑफ ट्रबल, मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से आती हैं वो सोर्स। हरकुलियन टास्क का मतलब अ डिफिकल्ट टास्क, एक ऐसा कार्य जो करना बहुत ही कठिन हो। बी अवेयर ऑफ ग्रीक बेयरिंग गिफ्ट्स, मतलब दुश्मन की दी हुई चीज़ से बहुत ही अवेयर रहना चाहिए। द मिडास टच का मतलब जो भी आप छूओगे वो क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, मतलब इतने सक्सेसफुल आप हो कि आप जो जिस चीज़ में जिस काम में हाथ लगा दो उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है जो भी बेस्ट एफर्ट आपको किसी काम को कंप्लीट करने के लिए करने होते हैं उसको करना चाहिए, उसके लिए एक भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। एवरी पॉसिबल एफर्ट यू कैन डू यू मस्ट हैव टू डू, ठीक है ना। टच वुड का मतलब मैंने आपको बताया नीम का पेड़ था, ठीक है ना, टच वुड हम लोग, ताकि किसी भी बैड या अनलक को अवॉइड या प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टच वुड बोलते हैं। फ्रेंच लीव विदाउट नोटिस, बिना आज्ञा या बिना सूचना के छुट्टी ले लेना। बेकर्स डजन सिंपली नंबर्स में 13, ठीक। नेक्स्ट हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है नो चॉइस, कोई भी विकल्प ना होना, कोई भी चॉइस ना होना। एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है टू मेक सिचुएशन वर्स, मतलब और सिचुएशन को खराब कर देना, पहले से सिचुएशन खराब है उसको और ज़्यादा खराब कर देना। हिट बिलो द बेल्ट अनफेयर, ठीक है ना, कमर के नीचे बॉक्सिंग में मारना मना है, याद रखिएगा। कंगारू कोर्ट अ वेनसडे मूवी, इल्लीगल कोर्ट, अपने हिसाब से हम निर्णय लेंगे, अब लॉ कुछ भी नहीं है, ठीक। सोर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं, अगर आप कोई डिज़ायर थी नहीं पा पाए तो आप ये बोलते हो कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक। गार्डियन नॉट का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना, बहुत ही जटिल कोई भी परेशानी, दैट इज़ कॉल्ड गार्डियन नॉट। लास्ट में मैं यही कहूँगा, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी अच्छी है, क्या है, ठीक है। प्लस जिन बच्चों को वीडियोस अच्छी लगती हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं, सब लोग बोलते हैं, मैंने भी बोल दिया, ठीक है ना, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ये करें। ओके, थैंक यू।